was batting throughout, मैं विराट भाई के साथ ही बैटिंग किया, मैं उनको 90s के पास जाके बोल रहा था। चिराग पासवान ने क्रिकेटर ईशान किशन से मुलाकात की। दोनों के बीच हुई ये मुलाकात ईशान किशन के घर पर हुई। बता दें कि हाल ही में ईशान किशन ने वनडे में शानदार प्रदर्शन किया था। उनके प्रदर्शन पर कई लोगों ने बधाई दी। अब उसी क्रम में चिराग पासवान ने ईशान से मुलाकात की और उन्हें क्रिकेट के क्षेत्र में निरंतर बेहतर करने की शुभकामनाएं दी। बैटिंग थ्रूआउट में विराट भाई के साथ ही बैटिंग किया, मैं उनको 90s के पास जाके बोल रहा था कि मैं मेरे को बोलते रहना सिंगल लेने, वरना हम लोग वही है उड़ाने के लिए कि यार चक्के से अगर हो जाए 100 तो मजा आ जाएगा। फिर किसी तरह सिंगल सिंगल करके बनाया, फिर चौका आया 97 के आसपास। फिर भी मैं स्कोरबोर्ड नहीं देख रहा था कब मैं 97 से अचानक से मैं देखा 146 आ गया। दोनों के बीच हुई इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट के रूप में माना जा रहा है। दरअसल ईशान ने 10 दिसंबर को बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे वनडे में दोहरा शतक जड़ा था। उन्होंने 210 रन की विस्फोटक पारी खेली। वे सबसे कम उम्र में ऐसा करने वाले खिलाड़ी बने और सबसे कम गेंदों में ये कारनामा किया। उसी क्रम में अब चिराग पासवान ने ईशान किशन से मुलाकात की और उन्हें बधाई दी। बता दें कि ईशान किशन बिहार के नवादा के रहने वाले हैं। उनका परिवार पटना में रहता है। मौजूदा दौर में वे बिहार के युवाओं के यूथ आइकन बने हुए हैं।